हेलो एवरीवन, माय नेम इज अवनीश सिंह। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार सेलिंग सिमुलेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग ने बहुत सारी कार खरीदी थी। सुपरा खरीदी थी, ये खरीदी थी, जी वैगन खरीदी थी, ये वे जो जो क्या क्या खरीदा था पता नहीं सकता मैं। बहुत अच्छी कमाई कर ली थी, मतलब 12 लाख तक कमाई हो गई थी। हाँ, 5-6 लाख कमाई हो गई थी अपना, देख सकते हो। अभी मैं और 12 लाख कमाई कर दिया हूँ, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सस्पेंस बना रखा है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कार आई है जो कि अब लोग निकालते वो थक जाते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ा सस्पेंस, मुंडी नीचे करके चलेंगे रोड पे थोड़ा, कि आपको भी पता चले कि कौन सी कार मेरी निकली है। देख सकते हो यार, निसान GT-R निकल गई मेरी। एक डॉज वाइपर तो थी पहले से ही मेरे पास, और यहाँ पे एक निसान GT-R निकली है। दोनों तगड़ी तगड़ी गाड़ी देख सकते हो, डॉज वाइपर SPD और ये निसान GT-R ही दादा, लाल रंग GT-R 35। जो लग रही है यार, क्या ही बताऊँ, जो लोगों की यार 60 दिन में, मतलब 200-300 दिन में निकलती है, वो मेरी सिर्फ 60 दिन में निकल गई थी। देखो 60 दिन दिखाई निकली है मेरी गाड़ी की। इतनी अच्छी किस्मत यार, मुझे खुद नहीं पता मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी, 60 दिन में निकल गई यार मेरी। तो क्या मैं बताऊँ, यहाँ पे एक इसको एक काम करते हैं, इसको दो तक पार करते हैं, अच्छे से देख लो यार कितनी तबड़ी लगती है निसान GT-R। और पीछे इसका ये कितना बड़ा यार भी, अरे क्या बोलते थे इसको यार, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, मतलब क्या बोलते थे पता नहीं, क्या बोलते मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, जो भी बोलते थे कुछ बोलते थे यार। इसका साउंड सुनो, एक नंबर साउंड है। पीछे से 2 एक्सॉस्ट कितने, 2 उधर 2 उधर 4 एक्सॉस्ट कितने इसके। अब देख भाई, हेडलाइट कितनी तमी करती है, सिग्नल हेडलाइट जैसे लाइन बनी है वहाँ से हेडलाइट करती है। डाइट से धुआं निकलता और सड़ा बनता है इसका, क्योंकि तो आग भी करने एक नंबर है। पहले इसका नीचे वाला चलेगा, इसका बीच वाला चलेगा ऐसे। इसका तो 2 टाइप चला सकते हैं, बीच वाला नीचे वाला। तो निसान GT-R को इधर खड़ी करते हैं और अपनी डॉज वाइपर को उधर खड़ी करते हैं। एक काम करता हूँ ना, ऑक्शन का टाइम होने वाला है, 10 बजे ऑक्शन स्टार्ट है, तो 9 बजे 10 बजे ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो चलते हैं तुरंत। तो गए अरे आते आते 10 बज गए यार, 10:10 हो रहा है। BMW जा रही है सर, मैं BMW निकल गई है यार। कार सिवाय BMW मैं ले सकता है, BMW मैं ले सकता हूँ अभी भी टिकट खरीद के, लेकिन नहीं रही मुझे। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी अपने पास यार, जी वैगन खड़ी है ये सब। तो यार गाइस, ऑफिस में आ चुका हूँ, अगले दिन कार मार्केट खुलेगी, तो कार मार्केट में जाएंगे, कार वाले लेके आएंगे, क्योंकि अभी ऑफिस मतलब सो जाते हैं। तो गाइस, कार मार्केट खुल चुकी है, दिन भी हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं कार मार्केट। निसान GT-R पे बैठ के इसके कंट्रोलिंग, तो एक नंबर है गाइस, एक नंबर कंट्रोल नहीं है भाई। भाई भाई जरूर जब ब्रेकिंग एकदम बेकार गई, तो ये वाली BMW ऑक्शन में मिल रही थी, तो ये वाली BMW 1 लाख की तो यहाँ पे दे ही देगा, जिसकी तो मुझे रिपेयरिंग करानी भी पड़ेगी, और कितनी डैमेज की गाड़ी 1 लाख में तो दे ही देगा। 1 लाख में दे भी दिया है। यहाँ पे टेस्ला कितने की है, तो सारी गाड़ी मैंने टो करा दी है अभी गाड़ी ना, मेरे पास जगह नहीं टेस्ला लेने के। और देखो यार, ये मर्सिडीज है जो कि मैं खुद से लेकर जा रहा हूँ, अब मेरे पास जगह नहीं थी, तो सारी कार जल्दी से रिपेयर कराते लगाते हैं। मछली थी यहाँ पे लगाओ, टेस्ला यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ दूसरी टेस्ला यहाँ पे लगाओ, ये भी टेस्ला यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे टॉर्स लगाओ, इसमें यहाँ पे लगाओ। तो यार भीड़ सबको मैंने सर पे डाल दिया, भीड़ तो बहुत जबर लगी है। BMW M5 M F90 के लिए आया है बंदा, 2 लाख मिल गए तो बहुत बहुत है। हाँ 2 लाख मिल गया इस मर्सिडीज के लिए, 4 लाख की तो मैं लेके आया। 1 सेकेंड, ये क्या जमाल होता है, 4 लाख की तो मैं लेके आया हूँ, इसको भी नहीं भेजूँगा, इसको भी नहीं भेजूँगा, लास्ट भेजूँगा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 4 लाख मैंने डाला है कि मैंने ऐसे सेल कर दिया, लाख तो सेल में डाल दिया 4 लाख की, इसका तो मैं 3 लाख से कम भेजूँगा। अरे ले गया भाई, 3 लाख की ले गया, देख लो प्रो बार्गेनिंग लेने का फ़ायदा भाई, बहुत फ़ायदा है प्रो बार्गेनिंग लेने का, जो मिलता है ना क्या बताऊँ, प्रो बार्गेनिंग लेने का बहुत फ़ायदा है। जितने का बोलो उतने का जाता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि 1 लाख की खरीद के लाओ 1 करोड़ बोलो 1 करोड़ में ले जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पैसा दे जाएगा, अच्छा खासा पैसा तो दे ही जाएगा। हाँ, तो इसका रेट मैंने फिर से डाल दिया, देखते हैं अब क्या डालना है इसका रेट। इसका रेट मैं डालता हूँ 1 करोड़ डाले क्या, छोड़ो मैंने 1 करोड़ डाल दिया है। कार लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखो सबको मैंने कार सर से हटा दिया था, सब कस्टमर चले गए, अभी फिर से कस्टमर आएंगे, एक कस्टमर आया तो है, देखते हैं इसको क्या लेना है भाई, जल्दी बताओ कितना दे भी यार, जितना दोगी उसका मैं डबल दूंगा।
वे भाई 54 दे रही, 54 दे रही, 6 लाख दे दो यार, 6 लाख तो दे दो दीदी, 6 लाख दे दो, 10 लाख डाल रहा हूँ, 6 लाख को दे दो। अबे ले गई 6 लाख में, 16 लाख रुपए हो चुका है अपने पास। आज सारी कार मार्केट खाली होने वाला है गाइस, पूरा कार मार्केट तुम्हारा भाई खाली करेगा, सारा पूरा पूरी पूरी कार मार्केट खाली कर डालूंगा मैं आज। तो मैंने एक ये जीप उठाई है जो कि वहाँ पे जगह फिर भर गई थी, तो मुझे अब जाके सारा गाड़ी लगानी पड़ेगी वहाँ पे। तो सारी गाड़ी लगाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से अपनी निशान जी की लेने आ गया था। तो यहाँ पे भी दो अच्छी अच्छी गाड़ी पड़ी, एक पड़ी है BMW है यार, मैं मर्सिडीज को बाबा BMW क्यों कह देता हूँ यार, हाँ एक मर्सिडीज पड़ी है, एक ये क्या नाम है इसका जो फ्रैंकलिन के पास होती थी, ये वाली ये पड़ी है। तो दोनों उठा लेता हूँ, दोनों मस्त गाड़ी, अच्छा खासा होता है। यहाँ पे एक मर्सिडीज है, मर्सिडीज उठाते हैं, कहाँ गई यहाँ 45, बहुत सस्ती गाड़ी है यार, लेकिन ये मर्सिडीज की सुपरा भी उठा लेके आ ज़्यादा गाड़ी। अबे यार सारी अच्छी अच्छी गाड़ी मैं लेके आया, बेकार गाड़ी पड़ी गाड़ी, सोच रहा हूँ ये भी ले जाऊँ, सब बेच आऊँगा। देखो निशान GTR अपनी है, ये दोनों घटिया गाड़ी है, पूरा पूरा कार मार्केट मैंने खाली कर दिया। अभी मैं आगे चल के बताऊँगा मैंने कार मार्केट पूरा खाली कर दिया, और मैंने किस लिए खाली किया। तो गाइस मैंने इसलिए खाली किया कि यहाँ पर मैं धड़ 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 ड्रिफ्ट मारता हूँ, ड्रिफ्ट मारने के अलग मजा है, सारी कार खरीद के जगह खाली करके ड्रिफ्ट मारो, पैसे खर्चा, बहुत पैसा है मेरे पास गेम में बहुत पैसा है मेरे पास। तो यार गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, देख रहे हो जाम लगा हुआ है गाड़ी को। तो मैं एक काम करता हूँ, रात को ही सारा काम कर लेता हूँ, सारी गाड़ी रिपेयर करके लगा लेता हूँ उस तरफ, क्योंकि दिन में काम करूँगा नहीं, दिन में तुरंत अभी सर पे आँख सो जाऊँगा, दिन में उठूँगा कस्टमर सीधे बेच दूँगा। तो भाई कार नीचे गिर जा, नीचे गिर जा भाई, नीचे गिर, इस नीचे नहीं गिर, इसको टो करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी रिपेयर हो गई है, इसको भी वहाँ जाके लगा देता हूँ, देख सकते हो यार सारी गाड़ी मैं रिपेयर करके लगा दी है। अब जल्दी से चलो चल के सो जाते हैं, तो देर होने का इंतजार करते हैं, सुबह उठ के काम करेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, आज कार ऑप्शन भी ओपन है, 9 बजे का है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं अभी कार गाड़ी नहीं लगाऊंगा, गाड़ी अभी अगर मैंने पैसा लगा ना उस पर रेट, तब टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, कार ऑप्शन जाता हूँ, कार देखता हूँ, अच्छी कार निकली ठीक, फिर उसकी टिकट लूँगा, बैठूँगा आराम से बैठ के कार में लगाऊँगा, जब तक कार आएगी उसके बाद ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कौन सी कार है, इसमें ओ भाई इसमें डॉज वाइपर फिर से, व्हाइट वाली डॉज वाइपर है भाई, भाई साहब व्हाइट वाली डॉज वाइपर। और यहाँ पे एक मर्सिडीज है, यहाँ पे दोनों घटिया गाड़ी है यार, सिर्फ दोनों दो अच्छी गाड़ी है, एक डॉज वाइपर निकल रही है जो कि खाली ऑप्शन में होती है। ये सब रेयर कार है ना, जैसे निशान GTR हो गई, डॉज वाइपर हो गई, और एक ठो ड्रिफ्ट कार है, क्या नाम है उसका, ये सब कार अच्छी है, मतलब खाली उसमें निकलती है, ऑक्शन में, ओनली ऑक्शन में निकलती है ये सब कार। तो कभी भी ऑक्शन मिस ना करो, पता नहीं कब तुम्हारी किस्मत चमक जाए, कोई भरोसा नहीं। तो सबका जल्दी जल्दी मैं रेट लगा देता हूँ जब तक गाड़ी आ रही है। ये मर्सिडीज लाया था तो उसका 2 लाख डालूंगा मैं, 40,000 भी लाया था, एकदम उड़ा के दाम डालूंगा, देखते हैं कैसे नहीं देते लोग। साला मैं खरीद के लाऊँ तो कोई कमी कमा बार्गेन नहीं करता, और मैं जब बेचने लगूँ तो सब आगे कहेंगे 10 लाख खरीदे बेटा 150 रुपया देगा, ऐसा थोड़ी ना होता यार। अरे भाई डॉज वाइपर आ गए बैठो, एकदम लास्ट वाला पिट लगाऊंगा मैं, 5421 वाला, 5421 डॉलर वाला, सबसे लास्ट वाला मैं लगाता जाऊंगा, देखते किसके एकदम, गाड़ी तो मैं ही लेके जाऊंगा, ये गाड़ी तो मैं ही लेके जाऊंगा, जैसे मैंने वो पूरा खाली किया है तो ये पूरा मैं ही खाली कर दूंगा। अरे यार ये तो सस्ती वाली आई है, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं जा रहा अपने भाई ऑफिस में, बहुत सारे कस्टमर आए हैं ऑफिस में, सारे कस्टमर को भी मैनेज करना है, तभी तो पैसा कमाएंगे और गाड़ियाँ लाएंगे। अभी यार एक तो बात बताना मैं भूल गया, एक न्यू अपडेट आ रहा है जिसमें कि ड्रैग रेस आने वाली है, और 5-6 गैराज आने वाले हैं जिसमें कि अपने कार कलेक्शन को इकट्ठा करके जमा कर सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े गैराज आने वाले हैं। तो यार समझ सकते हो यार, इतनी सारी गाड़ियाँ है भाई के पास, एक तो हाउस भी आ रहा है, जो हाउस हम लोग ले सकते हैं, वहाँ गाड़ी पार्क करो, एक गैराज ले सकते हैं वहाँ गाड़ी पार्क करो, एक यहाँ इसके सामने गैराज आने वाला है, वो गैराज में भी हम लोग पार्क कर सकते हैं गाड़ी, लेकिन हम लोग अगर सर पे जाएंगे तो वो गाड़ी नहीं दिखाएगी, अगर आप कहीं भी पार्क कर दो तो वो फार अवे दिखाती है गाड़ी, वो नहीं दिखाएगी। तो अगले अपडेट में यही है, और जो वहाँ पे ट्रक दिख रहा है वो तो आपको ड्रैग रेस के लिए वो वहाँ लेके जाएगा, ड्रैग रेस भी आने वाली है, इसलिए मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों को सेफ कर रहा हूँ, मतलब संभाल रखूँगा। अभी थोड़े दिन जैसे वीडियो नहीं बनाऊँगा, जैसे कि अभी वीडियो जैसे कि अभी आज एडिट कर रहा हूँ, कल परसों तक वीडियो आएगी, उसके बीच में मैं इस गेम में बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगा, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऑक्शन में जाऊंगा, नई नई गाड़ियाँ निकालूंगा, क्योंकि ड्रैग रेस आ रही है, ड्रैग रेस में भर के पैसा कमाना है यार, भर के एकदम।
तो यहाँ पे देखो यार, अपने पास दो मतलब वो थी तो बेच दिया है, देख सकते हो कितना पैसा हो गया, 19 लाख, 19 लाख रुपए हो चुका है यार अपने पास। गाइस अपना शोरूम देख सकते हो, बड़ा हो गया है अपना शोरूम। हाँ तो मैं बस यही कहना चाहता, अपना धीरे धीरे शोरूम बढ़ रहा है, अपना धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस बिजनेस को लेके मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अपना बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। इतना इतना मैंने भाई, जो पिछली बार आपने वीडियो देखी होगी, सुपर ओपर मैंने खरीद, इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, पता नहीं बटन ही नहीं चल रहा था। 5 5 50 हज़ार डाला था, जैसे 5 डाला, 0 0 लगाया, नहीं सेल कर दिया, $5 में ही सुपर सेल हो गई। देख सकते हो 90 हज़ार से 19 लाख पे आ चुके हैं, कितना इम्प्रूवमेंट आया। अगली बार तो ड्रैग रेस आने वाली है, उस पर कितना पैसा लगाएंगे। और हम जो ऑक्शन में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकल रही हैं ना, मेरी इतनी किस्मत चमक रही है, तब तो ड्रैग रेस जितना अपने लिए हलवा हलवा। अरे एक अपडेट और आ रहा है, मैं आपको बताना भूल गया, व्हील का। व्हील किसी किसी गाड़ी में देखा होगा, ऐसे लेट जाता, कभी ऐसे हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको। चलो यार अगली वीडियो आएगी, उसमें आराम से देख लेना, आराम से अच्छा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। नीचे लाल रंग का बटन आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, लाल रंग का होगा लेकिन व्हाइट से लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको टिप दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।